सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? आज जो वर्कआउट अपन शूट कर रहे हैं वो है ग्लूट्स वर्कआउट। आप सोच रहे हैं ग्लूट्स वर्कआउट ओनली फॉर लेडीज़ होता है, बट आप ध्यान रखें, ग्लूट्स मसल यानी जिसको अपन देसी भाषा में बट या कुल्ला जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसल है, आपका बॉडी का पार्ट है। इवन आप बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, रनिंग करते हैं, सब में इस मसल्स का यूज होता है। इवन आप जिम में या वर्कआउट में जैसे कंपाउंड मूवमेंट, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स जब भी लगाते हैं उसमें भी आपकी ग्लूट्स की स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती हैं। तो देखते हैं कैसे अपन इसको बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। आज इस वर्कआउट को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ है पूनम। वो हैं पूनम, देखते हैं क्या बेस्ट वर्कआउट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। ग्लूट्स वर्कआउट हो चाहे कोई भी वर्कआउट हो, सबसे फर्स्ट आपको वार्म अप्स बिल्कुल करना है। अगर आप ग्लूट्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो स्पेशली आपका जो लेग और ग्लूट्स का जो एरिया है एक्टिवेशन के लिए अपन सिंपल 2-3 मोमेंट्स करेंगे, उसके बाद में अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप जो स्क्वाट, नॉर्मल स्क्वाट आप लगाते हो वो आप लगाइए। ओके, स्लो, नाइस एंड स्लो। ओके, ये पोजीशन पे ये आप रखेंगे। यहां से आपको क्या करना है, जस्ट पुट योर लेग्स, इतना आगे लेके जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल यहीं तक। हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अनोदर पैर से वेरी गुड। यहां से आप इसको सपोर्ट ले रहे हैं और ये आपकी जो नी बिल्कुल स्टिप नहीं रहेगा ऐसा, यहां से आपको किक करना है, बट आपका जो पैर है वो यहीं तक आना चाहिए, इसके आगे नहीं जाएगा, यहीं तक आपका पैर आएगा। यहां से आप सीधा ग्लूट्स आप चूज करना है। वेरी गुड, स्लो, नी थोड़ा सॉफ्ट, नी बैंड रहेगा हल थोड़ा। ओके, पूरा पीछे करो, 1-2 सेकंड का स्ट्रेच। नी फोल्ड कर नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल ऐसा सीधा ही रखना है नी आपको, बस इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है। ओके परफेक्ट, अनोदर पैर से आगे, यहां से पीछे ही आपको लेके जाना है। यस वेरी गुड परफेक्ट, यहां 2 सेकंड का स्ट्रेच, परफेक्ट वेरी गुड परफेक्ट। इसी की मूवमेंट के साथ जो अपने को एक मूवमेंट जो करना है, सेम यही मूवमेंट आपका यहां से स्टार्ट होगा आपका मूवमेंट, और ये आपका नहीं है तो यहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा। ओके हाँ, नाइस एंड स्लो। ओके, 2 सेकंड होल्ड,
आपके माइंड को पता होना चाहिए कि आप ग्लूट्स वर्कआउट कर रहे हैं, माइंड आपका होना चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। यस, वेरी गुड, नाइस एंड स्लो। आपका मूवमेंट यहां से, ये पैर से यहां से स्टार्ट होगा एंड यहां 2 सेकंड आपका स्ट्रेच अगेन। वेरी गुड, यस। और हाथों की पोजीशन आपकी रहेगी जो कैट काउ पोज में अपन ने परफॉर्म की थी, सेम पोजीशन इसकी रहेगी। ओके, परफेक्ट स्ट्रेच, यस, वेरी गुड, यस। यहां 1 सेकंड स्ट्रेच, ओके, ब्रेथ मोमेंट आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेथ आउट, परफेक्ट। अनोदर पैर से, यस, वेरी गुड, परफेक्ट। ये थे अपने सिंपल मूवमेंट्स। अभी अपन अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हिप थ्रस्ट। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको बेंच पे आपकी शोल्डर की पोजीशन या बैक की जो पोजीशन है वो कहाँ रहेगी, आप यहाँ पे प्लेस करो। ओके, यहाँ पे आपको पूरा प्लेस नहीं करना है, यानी जो आपका शोल्डर ब्लेड है यानी कॉर्नर पे आपको प्लेस करना है। यस, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा प्लेस करोगे तो मूवमेंट नहीं कर पाओगे। सेकंड, आपका पैरों की पोजीशन, आपके पैरों की पोजीशन ये 90 डिग्री से थोड़ा सा बाहर है, तभी आप उस मूवमेंट को परफॉर्म कर पाओगे। सेकंड, आपको जो ध्यान रखना है जब आप लिफ्ट कीजिए, ओके, थोड़ा सा और स्लाइटली आपको आगे आना पड़ेगा। ओके, ओके, हाँ, यस, यानी आपके शोल्डर, आपके हिप्स और आपके नी तीनों एक लाइन में आएंगे। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखना है, ये जब आप आएंगे तभी आपको ब्रेथ आउट करना है। चिन की पोजीशन हमेशा ऐसी रहेगी आगे की साइड में, आप सीधा नहीं रख सकते उसको। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। चलिए, यस, 2 सेकंड स्ट्रेच, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका 1 लाइन मूवमेंट हो गया, यहां 2 सेकंड स्ट्रेच एंड ब्रेथ आउट, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज के आपको 20 to 25 रेप्स आपको काउंट करने हैं। सेकेंड, अगर इस एक्सरसाइज को आप बेहतर तरीके से करने लग जाओ तो उसके बाद में वेट का यूज करना है आपको, वो आप बारबल से भी कर सकते हैं और साथ में प्लेट से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। हिप थ्रस्ट जो अपन यूज कर रहे हैं वो वेट के साथ, आपका वेट प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए आपकी पेल्विक बोन के पास। ओके, सेम मूवमेंट रहेगा, यहां ब्रेथ आउट रहेगा, वेरी गुड, परफेक्ट स्ट्रेच, ब्रेथ आउट, नाइस एंड स्लो, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट,
वेरी गुड यस वेरी गुड ये है परफेक्ट नाइस एंड स्लो स्ट्रेच यहाँ पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट मसल ब्रेथ आउट स्लो पैर को टिकाना नहीं है कंटिन्यूटी जैसा परफॉर्म किया सेम आपको परफॉर्म करना है परफेक्ट यस वेरी गुड परफेक्ट वेरी गुड परफेक्ट ये है रोमानियन डेडलिफ्ट्स नॉर्मल डेडलिफ्ट्स और रोमानियन डेडलिफ्ट्स में डिफरेंसेस क्या होता है मैं जब बारबेल से करूँगा तो और एक्सप्लेन करूँगा ये जो अपन यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं डंबल के साथ में और ग्लूट्स के आपको जो ध्यान रखना है आपके जो नी हैं हल्के बिल्कुल स्टिप नहीं रहेंगे थोड़ा सा बेंड रहेंगे और सॉफ्ट रहेंगे डंबल को प्रॉपर स्लो मूवमेंट के साथ में आपको नीचे लेके जाना है यहां से स्लो मूवमेंट से अप रखना है यहां ब्रेथ आउट करना है चिन आपका ऐसा ये पोजीशन में रहेगा आपका जो बॉडी वेट है थोड़ा आगे रहेगा यहां आपको ग्लूट्स मसल को स्क्यूज करना है 2 सेकंड के लिए वहीं पे आपका कॉन्ट्रैक्ट फील होना चाहिए और ब्रेथ आउट होना चाहिए ओके चलिए स्टार्ट वेरी गुड परफेक्ट स्क्यूज योर मसल यस परफेक्ट अप वेरी गुड ब्रेथ आउट ओके यहां ब्रेथ आउट होगा ब्रेथ आउट स्क्यूज योर मसल परफेक्ट चिन का पोजीशन ये रहेगा परफेक्ट यस परफेक्ट ये आपका हैमस्ट्रिंग का पार्ट भी एक्टिवेट करेगा बट आपको माइंड से कनेक्टिविटी होना चाहिए तभी उसका ग्लूट्स पे ज्यादा इंपैक्ट आप ले सकते हो रोमानियन डेडलिफ्ट ले रहे हैं और बारबेल के साथ में इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपकी हाथों की पोजीशन और ग्रिप कहाँ रखना है ये आपके नॉर्मल आप प्लेस कर लो शोल्डर जहाँ जितनी आपकी शोल्डर विथ है उतना आपका डिस्टेंस रहेगा दोनों पैर के बीच में अभी बार को ग्रिप करना है आपको जस्ट यहाँ से पास में से आपके टो थोड़े से पॉइंटेड रहेंगे आउटसाइड पॉइंटेड रहेंगे यस चलिए बिल्कुल बार को आपको नियर बाई प्लेस करना है नी से टच होते हुए आप अभी लिफ्ट करेंगे सेम अपनी पोजीशन के साथ में जब लिफ्ट करेंगे तो पूरे शोल्डर आपके कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे सेकंड जब आप लिफ्ट करेंगे बैक पूरा टाइट रहेगा थर्ड जब भी आप इसको पूरा लिफ्ट करने के बाद जो सेट परफॉर्म करेंगे तो आपका चेन का पोजीशन सेम रहेगा और जब यहाँ पे अप आओगे ब्रेथ आउट करना है और 2 सेकंड के लिए आपका जो ग्लूट्स मसल है उसको स्क्वीज करना है चलिए वेरी गुड थोड़ा सा ग्रिप नियर बाय यस यस वेरी गुड टच नहीं नीचे रखना नहीं है उसको कंटिन्यूटी बना के रखना है यस बस कंटिन्यू और वेरी गुड नी सॉफ्ट रहेंगे स्लो बार को और नियर बाय लाने की कोशिश करो बिल्कुल चेत पैरों का डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर लो ज़्यादा है वेरी गुड ठीक है वेरी गुड बार बिल्कुल सट के आएगा आपके नी के परफेक्ट वेरी गुड यस ब्रेथ आउट एंड स्क्यूज योर ग्लूट्स परफेक्ट ये है रोमानियन डेडलिफ्ट बारबेल के साथ में परफेक्ट वेरी गुड बस
बहुत ज़्यादा नीचे टच नहीं करना आपको, आपको अप ही रखना है। नॉर्मल डेडलिफ्ट में अपन टच करते हैं बस, ये आपको यहीं तक उसको डाउन लेके जाना है, दैट्स इट। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट पोजिशन, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। ग्लूट्स के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन ले रहे हैं वो है स्प्लिट स्क्वाट, जिसको बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट भी अपन बोलते हैं। इसके लिए आपको बेंच या इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म चाहिएगा। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको सेम आपकी पैर की पोजीशन इसके ऊपर आपको रखना है, ये पोजीशन आपके ऐसा नहीं रह के रख सकते आप इसको, आपका पैर इस तरीके से प्लेस होना चाहिए। यहाँ से आपका जो दूसरा पैर है उसको ये पोजीशन तक, यहाँ तक रखना है आपको। आपका बॉडी आगे की साइड में, आपका बॉडी का पोजीशन आगे की तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं रख सकते आप, ये पोजीशन तक आपको रखना है। और थोड़ा सा इसको ये देखिए, थोड़ा सा और आगे। अभी जब मैं नीचे जाऊंगा तो ये पोजीशन पे आपको 90 डिग्री का एंगल के साथ में नीचे जाना है, और उसको जितना आप नीचे जा सकते हो उतना प्लेस करना है इसको। यस, ये यहाँ ब्रेथ आउट करना है आपको, पूरा नीचे जाना है, 1 2 डाउन, 1 2 अप, 1 2 डाउन, 1 2 अप। सेम मोमेंट के साथ में ये आपका 90 डिग्री का एंगल रहेगा, और ये जितना नीचे जा सकता है उतना नीचे जाएगा, दैट्स इट। ओके, यस, परफेक्ट, यस। बॉडी का पोर्शन थोड़ा सा अनपरफेक्ट है, सही है, चिन नीचे रहेगा, चेस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए, यस, परफेक्ट, वेरी गुड। ये नी आपका टो के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा आपको, और ये जितना आप नीचे जा सकते हो, वेरी गुड। यहाँ आपको ब्रेथ आउट करना है, परफेक्ट। स्प्लिट स्क्वाट से ग्लूट्स आपके स्ट्रेंथ होंगे, साथ में जो साइड से आपको राउंड शेप जो होता है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, परफेक्ट। सेम आपको मिनिमम 15 से 20 रेप्स आपको करने हैं, 20 रेप्स एक पैर के साथ, 20 रेप सेकंड पैर के साथ, वेरी गुड, परफेक्ट। पैर थोड़ा सा स्लाइटली आप आगे लो, ये वाला, हाँ, ओके ओके, यस, परफेक्ट। सेम पोजीशन, परफेक्ट विद डाउन, यस, अप, चिन आपका नीचे, परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट पोजीशन। ब्रेथ आउट, स्क्यूज योर मसल, वेरी गुड, परफेक्ट। इस एक्सरसाइज के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो डंबल लेना है, एक हाथ में आपको डंबल लेना है और दूसरे से आप बैलेंस कर सकते हैं, ट्राई करना है, यस, हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, यस, नाइस एंड स्लो, परफेक्ट, यस। ये है स्प्लिट स्क्वाट, इसमें आपका कोर स्ट्रेंड हो रहा है और ग्लूट्स भी ट्रेंड हो रहा है। अगर आप बॉडी की पोजीशन सीधा रखोगे तो ये कोर्स आपका ट्रेंड होगा, जैसे ही आप बॉडी का पोजीशन थोड़ा सा आगे एंड चिन डाउन करोगे तो पूरा आपका हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स उसमें इंक्लूड होगा, यस, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट,
वेरी गुड। ये जो अपन एक्सरसाइज ले रहे हैं वो है सुमो स्क्वाट। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा ग्लूट्स ही आपका इन्वॉल्व होगा, इसमें आपका हैमस्ट्रिंग का पार्ट भी इंक्लूड होता है, कोर्ट्स पे भी आपका प्रेशर आता है। बट आपको जब ध्यान रखना है, जब आप ऊपर लिफ्ट होंगे तो प्रॉपर मसल को आपको ग्लूट्स को स्क्यूज करना है, ब्रेथ आउट करना है, और इसमें भी आपकी जो पोजीशन है सेम यही रहेगी। ये आपके लिटिल पॉइंटेड आउटसाइड करते हुए ये आपकी पोजीशन रहेगी। यहाँ से नॉर्मल वे में आपको स्क्वाट करना है। यस यस वेरी गुड। एक सुमो स्क्वाट सी ले रहे हैं स्ट्रेपर का यूज करते हुए, और इसमें सेम मूवमेंट के साथ आपको डाउन जाना है, जब अप आओगे ब्रेथ आउट करना है, स्क्यूज योर ग्लूट्स मसल, एंड आपका जो पोजीशन रहेगा कोर का बिल्कुल टाइट रहेगा। जब आप ऊपर आओगे तभी आपको ब्रेथ आउट करना है। स्टार्ट। वेरी गुड, परफेक्ट। ये है सुमो स्क्वाट्स। वेरी गुड। ये हैमस्ट्रिंग, एंड जब अप आओगे तो ग्लूट्स को स्क्यूज करना है, तो ग्लूट्स दोनों के एक्टिवेशन और उनको स्ट्रेंथ करने में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। परफेक्ट, वेरी गुड। वेरी गुड, परफेक्ट। यस, स्लोली डाउन अप, ब्रेथ आउट, डाउन कॉन्ट्रैक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेथ आउट। वेरी गुड, नाइस एंड स्लो, रिलैक्स, दैट्स इट। ये है केबल हिप एक्सटेंशन, ग्लूट्स के लिए अपन ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपका जो नी है बिल्कुल स्टिप नहीं रहेगा, हल्का सा आप बेंड रख सकते हो या इसको लूज रखना है आपको। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है, सेकंड आप इस पे हाथ रख सकते हो या सपोर्ट रखना है। आप थोड़ा सा यहाँ से ये प्लेस करते हुए आपका जो नी है आगे नहीं जाएगा, यहीं से आपको प्लेस करना है। अगर थोड़ा झटका भी लगेगा, जक भी लगता है, तो इट्स ओके, नोट। और इसके चलिए स्टार्ट करो। आप थोड़ा आप ये साइड ले लो क्योंकि पैर वहाँ टच होगा, ठीक है? ओके, वेरी गुड, यस यस। यहाँ पूरा आपका ग्लूट्स स्क्यूज होगा, यस। ये पैर का पोजीशन बहुत आगे नहीं जाएगा, नी आप हल्का बेंड रख सकते हो। ओके, यस, परफेक्ट। यहाँ 1 सेकंड का होल्ड, मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रेथ आउट। ओके, परफेक्ट। ग्लूट्स का एक्सरसाइज पूनम हमने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया है, बट बहुत बेहतरीन किया है। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज के आपको 25 से 30 रिपीटेशन सिंगल पैर के साथ करना है, और सेम अनोदर पैर से भी 25 to 30। मोर बिल्कुल लाइट वेट के साथ इसको लेना है, आपको हेवी वेट इसमें नहीं लेना है। परफेक्ट। यहां कॉन्ट्रैक्ट, 2 सेकंड होल्ड एंड ब्रेथ आउट। वेरी गुड। सेम अभी ट्राई करेंगे दूसरे पैर के साथ, यहीं तक लेके जाना है। यहां 2 सेकंड होल्ड एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच, वेरी गुड, ब्रेथ आउट, यस, परफेक्ट, स्ट्रेच। ओके, थोड़ा आप झटका दे सकते हैं, इसकी कोई इश्यू नहीं है, परफेक्ट। इसको टिकाना नहीं है, कंटिन्यू टू के साथ में बना के रखना। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। ये है केबल हिप एक्सटेंशन, जो अपन बैंड
को यूज करते हुए परफॉर्म कर रहे हैं। परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट, यस। ये था अपना ग्लूट्स वर्कआउट, स्पेशली वुमन्स लेडीज केयर करते हैं, बट ये सबके लिए सेम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वुमन्स के लिए। ये आपकी ग्लूट्स की स्ट्रेंथ और उनकी राउंडनेस करेगा। तो हफ्ते में आपको अपनी जो भी वर्कआउट है उसमें दो दो एक्सरसाइज इन बिटवीन पूरे वीक में आपको यूज में लेना है और अकॉर्डिंग प्लान में आपको एडजस्ट करना है। तो कैसा पूनम आपका ग्लूट्स का एक्सरसाइज? अच्छा था, फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया और बहुत बेटर परफॉर्म किया है। चलिए, कैसा लगा आपको वर्कआउट कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं। दैट्स इट।